हेलो गाइस एंड वेलकम टू द न्यू ट्यूटोरियल। इस ट्यूटोरियल में हम करने वाले हैं कलर करेक्शन हमारी एनिमे क्लिप्स के ऊपर एंड आई एम गोना टेल यू अबाउट वेरियस इफेक्ट्स एंड बहुत सारे प्लगइन्स और आफ्टर इफेक्ट्स में इनबिल्ड इफेक्ट्स है वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा एंड वी गोना यू नो किसी एक स्पेसिफिक सीन पे सीसी करके बताने की जगह मैं तुम्हें जो भी टूल्स है सारे बताऊंगा वो कैसे काम करते हैं, हाउ यू कैन यूज देम एंड हाउ यू कैन एक्सपेरिमेंट विद देम। सो लेट अस गेट स्टार्टेड एंड इफ यू वॉन्ट टू वॉच सिमिलर कॉन्टेंट देन मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लेट अस गेट स्टार्टेड। How we gonna learn CC? तो मैंने एक कॉम्पोजिशन बनाया हुआ है कलर करेक्शन नाम का और इसमें बहुत सारे एनिमे के सीन में लेकर आ गया हूँ। आई मीन तीन एनिमे के सीन है बेसिकली बट बहुत सारे सीन है डिफरेंट क्योंकि मैं अलग अलग चीजें दिखाना चाहता हूँ एंड इट विल बी फन कि मैं तुम्हें प्रोसेस समझाऊं इंस्टेड ऑफ डूइंग सीसी ऑन अ वेरी स्पेसिफिक सीन। हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट्स इनेबल अ गुड सीन। ओके योर नेम का ओपन करना चाहता हूँ मैं एक्चुअली मित्सुआ है। ओके दिस विल वर्क फाइन आई थिंक या Actually not this. Yeah, this will work fine. So, सबसे पहले हम क्या करेंगे इस सीन को थोड़ा सा क्लियर अप करेंगे। क्लियर अप इन सेंस ये भी बहुत ज्यादा डिफ्यूज्ड भी है, मतलब थोड़ा सा ब्लर्ड है, थोड़ा सा इसमें यू नो एकदम हाउ शुड आई से थोड़ा फेडेड फिल्म वाला इफेक्ट है। वी हैव टू मेक इट कॉन्ट्रास्टी एंड वी हैव टू मेक इट क्लियर। टू डू दैट व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज एड एन एडजस्टमेंट लेयर। ये ना बहुत ज्यादा क्लीशेड प्रोसेस है बट वी गोना डू इट। सबसे पहले डिटेल प्रिजर्विंग अपस्केल। व्हाट दिस थिंग डज इज ये नॉइज रिड्यूस करता है और जो तुम्हारे कलर बहुत ज्यादा नॉइजी रहते हैं ना उनको सिमिलर कर देता है सॉर्ट ऑफ। सो इफ यू वर टू लुक इट, अगर मैं अपस्केल किया हुआ हूं इसको मैं फुल कर लेता हूं एंड डिटेल को भी मैं फुल कर दूंगा। नाउ आई विल हैव टू एक्चुअली फाइंड अ गुड सीन जहां मैं तुम्हें चीजें दिखा सकूं। सो दिस इज विदाउट, यू कैन सी देयर आर दीज डॉट्स, ये दिख रहा है तुमको। और अगर मैं इसको इनेबल करूंगा तो इट इज मच क्लियरर नाउ। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज रिड्यूस एवरीथिंग, यू नो वो रिड्यूस ऑल दीज नॉइज एंड ऑल। अब तुम या तो इस एडजस्टमेंट के ऊपर ही इफेक्ट लगा सकते हो या फिर तुम इसको डुप्लीकेट कर सकते हो, इट्स अप टू यू। ओके लेट्स डुप्लीकेट इट एंड देन यूजुअली मैं लगाता हूं बीसीसी अनशार्प मास्क। तो आई विल सर्च अनशार्प और ये बीसीसी अनशार्प मास्क है ना, मैं बस यही लगाता हूं, आई डू नॉट यूज एनीथिंग एल्स। तो मैं यूजुअली आई पुट दिस देन आई पुट इट्स वैल्यू टू अराउंड 10 से 20 के बीच में मैं इनकी वैल्यू रखता हूँ। रेडियस कभी तुम ज्यादा कम रख सकते हो डिपेंडिंग ऑन वन थिंग। तो मैं बताता हूँ वो वन थिंग क्या है। पहले मैं इसको डिसेबल कर रहा हूँ फॉर नाउ क्योंकि ये थोड़ा हैवी रहता है। अब देखो ये कैरेक्टर मेरा पूरा सीन पे कितना बड़ा दिख रहा है। ओके और मैं यहाँ पर अगर इसका अमाउंट थोड़ा बढ़ा दूँ और रेडियस भी ज्यादा बढ़ा दूँ, ये अमाउंट कम कर लेते हैं, तो उतना ज्यादा इफेक्ट मेरे को पता नहीं चलेगा, लाइक ठीक ठीक लग रहा है। सिमिलर सीन में अगर मान लो मेरे पास ये सीन है, ओके ये वाला सीन और सिमिलर इफेक्ट उसी वैल्यू पे कैसे काम कर रहा है, तो वैल्यू बेस्ड मत बनो। व्हाट यू हैव टू डू इज ऐसी वैल्यूज रखो जो सीन के हिसाब से यू नो थोड़ी सी सूट करे इंस्टेड ऑफ जस्ट नोइंग कि हाँ मैं हर बार ये सिमिलर वैल्यू रखूंगा, क्योंकि जब तुम्हारे कैरेक्टर्स छूटे हैं यहाँ पर तो वो वैल्यूज डिफरेंटली अफेक्ट कर रही। तो ऑब्वियसली यू हैव टू प्ले विद द वैल्यूज, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जो तुम्हें सूट करे वो लगाओ। बट ये मैं करता हूँ यूजुअली एंड व्हाट एक्चुअली द फेमस प्रोसेस इज यू ऐड शार्पन। तुम शार्पन ऐड करो, इसकी वैल्यू तुम रख सकते हो 10, 20, 30, लेट्स पुट 20। और ये क्या करता है जो तुम्हारी एजेस है ना उसको जो ब्लर्ड एजेस रहती है थोड़ी थोड़ी ब्लर रहती है उनको थोड़ा शार्प कर देता है। ओके मेक्स एवरीथिंग चिजल्ड, आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन दैट। ओके आफ्टर दैट व्हाट वी डू इज इसके ऊपर ही हम ऐड कर देते हैं अनशार्प मास्क इफेक्ट और ये जो तुम्हारी एजेस है उसको थोड़ा सा कॉन्ट्रास्टी बना देगा एंड इट विल मेक डिफरेंस बिटवीन एवरी न्यू कलर। जहां पे भी सेपरेशन है ना वहां पे एक तरह का फेडेड ग्रेडियंट बन तुम्हें विजिबल होगा जो कि थोड़ा सा क्वालिटी भी इंक्रीज करेगा, कॉन्ट्रास्ट भी देगा और वो थोड़ा अच्छा भी लगेगा। लेट मी इंक्रीज द वैल्यू। तो मैं इसको 20 करके देखता हूँ एंड आई विल मेक रेडियस इंक्रीज कर देते, लेट्स ट्राई दैट। और मैं डिटेल बंद कर रहा हूँ मैं अभी एंड जस्ट टू शो यू। तो दिस इज हाउ इट इज, इसकी वैल्यू मैं कमी रखता हूँ एंड यू कैन सी बिफोर आफ्टर यू आर गेटिंग सॉर्ट ऑफ अ कॉन्ट्रास्ट हियर। बट एज आई सेड मैं यूजुअली ये चीजें करता नहीं हूँ, तो आई एम जस्ट गोना पुट व्हाट आई यूजुअली डू दैट इज बीसीसी अनशार्प मास्क। तो आई एम जस्ट गोना गो एंड यहाँ पे लगा दूंगा अनशार्प मास्क एंड आई विल पुट इट्स वैल्यू अराउंड, इसको मैं 25 कर लेता हूँ, इसको 15 कर लेता हूँ। जब सीसी तुम ऐसा कर रहे हो ना तो जस्ट नो दैट लेस इज मोर। ओके तो उतना ज्यादा इंटेंस और वो कबाड़ा करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, ठीक है। तो वी हैव एडेड डिटेल प्रिजर्वेंस और वी हैव एडेड दिस अनशार्प शिट
तो इसके ऊपर हम लगाएंगे लुक्स। नाउ देयर इज वन मोर प्रॉब्लम इन सेंस डिफरेंट। नॉर्मली लोग, मैं जहां तक मेरे ट्यूटोरियल्स देखे हैं, लोग क्या करते हैं, दे पुट कलर करेक्शन बिलो, ओके, बट आई एम जस्ट गोना, मैं वही करूंगा जो मैं करता हूँ, एंड आई यूजुअली पुट लुक्स या लुमेट्री जो भी मैं यूज कर रहा होता हूँ, मैं उस, ये अभी मेरे को एक क्लियर बेस मिल गया, राइट, आई हैव अ क्लियर बेस, इसके ऊपर मैं कलर करेक्शन, यू नो, कलर में चेंजेस करता हूँ बेसिकली। सो आई एम जस्ट गोना डू दैट नाउ। नाउ व्हेन वी हैव दिस बेस रेडी, इसके ऊपर हम लुक्स, जो मैजिक बुलेट लुक्स है रेड जायंट का, वो लगा के हम जो कलर्स है उनको थोड़ा सा चेंज करेंगे। आई एम जस्ट गोइंग टू ऐड लुक्स, अभी कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि हमें लुक्स के मेन्यू के अंदर जाना होगा। सो वी विल जस्ट क्लिक दिस एडिट, और जो लुक्स का खुद का इंटरफेस है वो हमारे लिए ओपन हो जाएगा। ओके, तो मैं ये इंटरफेस तुम्हें समझा देता हूँ। यहाँ पर नीचे जो ये बार दिख रही है, यहाँ पर हम अलग अलग इफेक्ट्स को ऐड करेंगे, और वो इफेक्ट्स हम यहाँ टूल्स बटन पे क्लिक करके इनके अंदर से पिक कर सकते हैं, बहुत सारे। और यहाँ पर ये हमारा प्रीव्यू, ऑब्वियसली अगर तुम्हें जूम इन जूम आउट करना है तुम स्क्रॉल कर सकते हो, इसको आगे पीछे ऐसे क्लिक करके ड्रैग कर सकते हो। एंड लास्टली वी हैव दिस लुक्स, यहाँ पे तुम्हारे प्रीसेट्स जो है वो अवेलेबल है, इन केस यू वांट टू टेक रेफरेंस, इन केस यू वांट टू यूज इट, ऑब्वियसली कर सकते हो, बट इट वुड बी बेटर कि तुम खुद का ही क्रिएट करो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा, ज्यादातर मेरे लिए तो पर्सनली कभी ऐसा सूट किया नहीं है कि मेरे सीन को सूट कर रहे, सो आई जस्ट डोंट यूज इट। फर्स्ट थिंग जो तुम्हारे पास ये सिलेक्टिव बटन है, लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, यहाँ पर जो चीजें है ये चीजें बेटर रहेगी कि तुम बाहर से ऐड करो, यानी कि इंस्टेड ऑफ एडिंग इन इनसाइड लुक्स तुम बाहर से ऐड करो, क्योंकि तुम उसको डायरेक्टली बाहर अच्छे से एडजस्ट कर पाओगे विदाउट एंटरिंग दिस पर्टिकुलर इंटरफेस अगेन एंड अगेन एंड अगेन। तो दैट्स माय ओपिनियन, बाकी तुम्हारे ऊपर, तुम खुद देख सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर तुम एक्सपोजर ऐड कर रहे हो, तो तुम एक्सपोजर तुमने ऐड किया, यहाँ पर तुम क्लिक करोगे उसके ऊपर तो ये कंट्रोल्स का ऑप्शन आएगा, तुम इसको इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। लेट्स मेक इट अ टाइनी बिट एक्सपोज 0.0, यहाँ पर मैं इसको क्लिक करूंगा एंड 0.2। अगर तुम्हें इफेक्ट को रिव्यू नहीं करवाना है तो तुम यहाँ पर आके इसको डिसेबल भी कर सकते हो, लाइक दिस यू कैन सी। और अगर तुम्हें, मान लो यहाँ पर तुमने 2-3 इफेक्ट डाल रखे, लेट्स ट्राई टू ऐड वन मोर, यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट ऐड करता हूँ और कॉन्ट्रास्ट की वैल्यू को मैं इंक्रीज करता हूँ, लाइक दिस। ओके, अब मान लो मुझे इस पूरे, मुझे देखना है कि विदाउट इफेक्ट ये चीज कैसे लग रही थी, तो आई कैन क्लिक दिस एंड दिस, तो ऐसे में बिफोर एंड आफ्टर भी देख सकते हैं यहाँ से। तो लेट्स लुक एट दैट, कॉन्ट्रास्ट ऑब्वियसली मुझे नहीं चाहिए तो मैं इसको डिलीट कर दूंगा। देन यहाँ पर दो जो यूज इफेक्ट है जो हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, वो है ग्रेडियंट एक्सपोजर और स्पॉट एक्सपोजर, दोनों में ऐड करके बता देता हूँ जल्दी से क्या है। सो दिस ग्रेडियंट एक्सपोजर इज बेसिकली एक्सपोजर बट ऐसा ग्रेडियंट में, यानी कि ज्यादा से कम होते हुए। तो लेट्स, यहाँ पर ये ऑरेंज लाइट ना आ गई है, ये हमारा ग्रेडियंट एक्सपोजर, मैं इसके ऊपर वाले हिस्से को पिक करके इधर ले जा रहा हूँ, नीचे वाले को इधर कर लेता हूँ। एंड अगर मैं यहाँ पे स्टॉप्स को इंक्रीज करूंगा, यू विल सी कि राइट साइड से लेफ्ट साइड से आते हुए वो ग्रेडियंट जो है वो ज्यादा से कम हो रहा है। तो यू कैन ऐड इट इन केस यू वांट टू ऐड इट इन, तुम्हारे सीन को अगर सूट कर रहा है तो। यूजुअली जो हाइप टाइप एडिट्स रहते हैं उसमें ऐड किया जाता है, बट मैं नहीं करूंगा बिकॉज मुझे नहीं चाहिए। स्पॉट एक्सपोजर, मान लो तुम्हारा कैरेक्टर लेफ्ट राइट में है और तुम्हें उसके ऊपर थोड़ा फोकस डालना है, या फिर वैसे भी यू नो यू जस्ट वॉन्ट की थोड़ा सेंटर में थोड़ा सा ग्लो हो, यू नो यू कैन डू दैट। तो ऐसा, और स्प्रेड तुम यहाँ से कर सकते हो, रेडियस वगैरह यहाँ से इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, लेट्स, वो थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा। बाकी तुम ये चीजें यहाँ से भी चेंज कर सकते हो इजीली। तो इन केस यू वांट टू एडिट, यू कैन एडिट, ऑब्वियसली मुझे नहीं चाहिए तो मैं नहीं कर रहा हूँ। और इट इज बेटर कि तुम ये चीजों को बाहर से करो, तुम एस ग्रेडियंट, ग्रेडियंट और विग्नेट, बहुत सारे इफेक्ट है, तुम उनको लगा के ये चीजें कर सकते हो और वो बाहर की बाहर कंट्रोल हो जाएगी। तो इट बेटर टू एड आउटसाइड ऑफ लुक्स। देन दिस कैमरा वन, ये वाले जो है ये एक्स्ट्रा फिल्टर, एक्स्ट्रा इफेक्ट्स ऐड करने के लिए होते हैं, सारे में जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, ओके, बिकॉज आई वांट टू एक्सप्लेन द अदर इफेक्ट इन डिटेल। तो मैंने सारे ऐड कर लिए, नाउ आई एम जस्ट गोना डिसेबल देम वंस। एज सॉफ्टनेस, नाउ दिस इज अ गुड वन, इसका रेडियस हम इंक्रीज कर लेते हैं, ओके, और एस्पेक्ट रेशियो थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं। देयर इज नो सॉफ्टनेस आई थिंक, राइट, बट जो है नहीं तो क्या कर सकते, तो यू नो जो तुम्हारे बाकी के एरियाज है उनको थोड़ा ब्लर कर लेता है, जस्ट इंक्रीज इट टाइनी बिट। Next is has flare. This you can use to give bit of an atmosphere to your scene, you know, जैसे कि ये normally भी scene लग रहा है। Now when I add it, और इसका अगर मैं जैसे box size उसको कम कर लो सबसे पहले, तो ये पूरे box पे रहेगा। Then इसका जो spillage वगैरह है कम ज्यादा कर सकते हो, थोड़ा सा diffused तुम्हें मिलेगा aura type, और तुम इसका color भी change कर सकते हो। तो if I make it blue, it is very visible here. You can see यहाँ पर
और पूरे सीन में भी, तो यू कैन यू नो यूज इट टू गिव इट अ बिट ऑफ एटमॉस्फेयर, इट इज अ गुड इफेक्ट। एंड दिस इज शटर स्टिक, ये मैं यूजुअली यूज करता हूँ, ये वर्टिकली लाइंस क्रिएट करते हैं, हम बूस्ट इंक्रीज कर लेंगे, साइज कम कर लेंगे, फॉल ऑफ बढ़ा देंगे लाइक दैट, एंड यू कैन गेट सम लाइक वर्टिकल लाइन्स। ये बात याद रखना कि ये यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट दिखेगा, बाहर थोड़ा डिफरेंट दिखेगा, तो इसके भरोसे मत रहना कि तुम्हें प्रीव्यू में क्या दिख रहा है, बाहर से एक बार चेक कर लेना कि आखिर चीज क्या है। ओके, आई विल डिलीट इट क्योंकि मुझे ये चीज नहीं चाहिए, तो आई विल नॉट यूज इट। जो चीज मुझे चाहिए वो मैंने यहाँ ऐड की हुई है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट वंस है, जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट वंस है बेसिकली, वो है कलर करेक्शन में, जो मैं यूजली यूज करता हूँ और जो इम्पोर्टेंट वंस है वही बताऊंगा। एस कर्विन इज बेसिकली यू नो कॉन्ट्रास्ट एड करने के लिए यूज होता है, इसको मैं जितना रोटेट करूंगा उतना कॉन्ट्रास्ट मेरे सीन में ऐड हो जाएगा इफ आई रोटेट इट। ओके, तो मैं इसका यूज नहीं करूंगा बिकॉज मुझे कॉन्ट्रास्ट नहीं चाहिए मेरे। सबसे पहले पॉप बता देता हूँ, तो बेसिकली हमने जो बाहर अनशार्प डाला था ना, ये उसी का लुक्स वाला वर्जन, तो लेट्स मेक इट 50 और इसकी रेडियस मैं अगर इंक्रीज करूँ और मे बी आई विल मेक इट बिट हायर, तो यू कैन सी द डिफरेंस बिफोर आफ्टर और आफ्टर, तो इट इज बेसिकली एडिंग द कॉन्ट्रास्ट और उसका जो फेडेड लुक है उसको वो थोड़ा कम कर रहा है। यू कैन एड इट, मैं इसको 30 और इसकी रेडियस बढ़ा दूंगा। कलरिस्टा इज इम्पोर्टेंट वन, क्योंकि ये हमारा बेसिक सारा काम ना कलरिस्टा कर देता है। तो देर आर 3 पैनल्स हियर, दो फर्स्ट वन है टोन कर्व, ये चीज जो तुम्हारा बेसिक कर्व रहता है उसके जैसे ही तुम यहाँ से कॉन्ट्रास्ट एड कर सकते हो या फिर कम कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन यू। तुम सारे कर्व के साथ रेड ग्रीन ब्लू तुम्हारे पास सारे अवेलेबल है, मैं इसमें ऐसा कर रहा हूँ और मैंने ये डार्क एरियाज है उसको थोड़ा ऊपर पुल किया, तो जो ये ऐसे वाले डार्क एरियाज है वो थोड़ा ग्रेइश हो जाए हल्की से, बिल्कुल डार्क ना रहे बिकॉज वो बर्न वाला एक ऐसा लुक मिलता है, वांट दैट। देन रेड ग्रीन ब्लू के साथ तुम इंडिविजुअली भी यू कैन मेक चेंजेस, बट आई एम नॉट गोना डू दैट। कलर करेक्शन इज ऑल्सो गुड, यहाँ पे तुम जो टिंट है वो थोड़ा सा दे सकते हो, बट ल्यूमेट्री कलर्स में स्पिल टोनिंग करके इफेक्ट रहता है, बेसिकली वो वाला लुक तुम यहाँ पर दे सकते हो। आई जस्ट पुट दिस ताकि उसके जो हेयर है यू कैन सी वो शेडोज जो है वो थोड़े ब्लू टिंट में आ गए, तुम यहाँ पे उनकी डार्कनेस या लाइटनेस इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, तो लेट्स मेक इट लाइक दैट ओनली, सैचुरेशन में इंक्रीज कर सकते हैं, बट मैं नहीं करूंगा एक्चुअली, इट्स गोइंग टू रूइन द सीन। एंड ये बहुत ज्यादा कॉन्ट्रास्ट ही लग रहा है एक्चुअली, आई डोंट वॉन्ट दिस मच कॉन्ट्रास्ट, तो मैं सीन को RGB में जाके इसको वापस से नीचे ले आऊंगा एक्चुअली, जस्ट टाइनी बिट, आई डोंट लाइक दैट मच कॉन्ट्रास्ट, एंड पॉप की वजह से भी हो रहा है, तो आई थिंक 20 कर लेते हैं इसको। ये चीजें तुम चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर सीन, अगर तुम्हें थोड़ा सा टेंट देना है या थोड़ा सा एक सॉर्ट ऑफ एटमोसफेयर देना है वार्म सा, तो मैंने इसको टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया है, एक्सपोजर और कॉन्ट्राट यहाँ पर भी है। जो इम्पोर्टेंट वंस है वो है यू सेचुरेशन में, नाउ दीज आर वेरी गुड। तो जो सर्कल हमारे काम का है वो ये वाला काम का नहीं है, मैं पहले ये वाला बताऊंगा। दिस इज राइटनेस ऑफ द सीन। ओके, तो हम देखते हैं दिस बैग, ओके ये वाला ब्लू कलर लेते हैं, तो ये वाला ब्लू ऑलमोस्ट इन दोनों ब्लू के जैसा है, तो अगर इनको मैं रिड्यूस डिक्रीज करूंगा तो ये उस पर्टिकुलर ब्लू की ब्राइटनेस को कम या ज्यादा करेंगे, बट ऑब्वियसली समटाइम्स इट जस्ट यू नो यू कैन सी ये रुइंस द सीन, तो आई डू नॉट चेंज इट। इम्पोर्टेंट वन है वो ये वाला है, ये हमारे कलर्स का सैचुरेशन बताता है और यू भी बताता है। मान लो हमारे पास है कौन सा कलर ले, लेट्स पिक ग्रीन क्योंकि ग्रीन बहुत ज्यादा अबंडेंस में, ग्रीन को मैं अगर ऐसा पुल करूंगा तो उसका सेचुरेशन पूरा जीरो हो जाएगा। इन केस आई वांट कि नहीं मेरे को ग्रीन पे फोकस नहीं करवाना है, मेरी एडिट की थीम तुम्हारे एडिट का पैलेट जो है वो ऑरेंज या टील है, तो तुम ग्रीन को डिसेचुरेट कर दो, यू कैन इंक्रीज इट्स सैचुरेशन, इट्स लुकिंग वेरी बैड। ओके, अब मान लो तुम्हें ग्रीन चाहिए, ये कलर डिसेचुरेटेड नहीं चाहिए बट वो ग्रीन भी नहीं चाहिए, तो तुम इसको शिफ्ट कर सकते हो, आई विल पुल दिस ग्रीन और मैं इसको इस ब्लू की तरफ लेके आ जाऊंगा, तो इट विल जस्ट बिकम टाइनी बिट ब्लूइश, ठीक है, और क्या लाइक दैट, ठीक है, तो यू कैन सी वो कैसे ग्रीन से ऐसा हल्के ब्लू में शिफ्ट हो गया है। I will show you better ways of doing this, or I can even make that go yellow ki side, so it is giving us a very bright and very warm feeling. तुम ऐसा किसी भी कलर के साथ चेंज कर सकते हो, अगर मान लो ऑरेंज है, ओके ऑरेंज को तुम रेड की तरफ शिफ्ट कर सकते हो, यू कैन सी उनके स्किन टोन्स चेंज हो रहे हैं, यू कैन पुल ऑरेंज टुवर्ड्स येलो, इतना ज्यादा नहीं करना है, एज आई सेड स्किन कलर्स को थोड़ा सा डेलिकेटली हैंडल करना चाहिए, तो मैं थोड़ा येलो की साइड लेकर आऊंगा बट मैं उनको डिसेचुरेट भी कर लूंगा, तो सिमिलर मुझे ना व्हाइटिश पर्पल उसके ऑलमोस्ट पास में आ गया, ये लाइट ब्लू उसके पास में आ गया, तुम इनका कलर को थोड़ा पास में लेके आ सकते हो, तो दे आर नॉट दैट मच कलर, तो मैं क्या करूंगा साइन को थोड़ा ब्लू की साइड लेके आ जाऊंगा, इस ब्लू को इधर ले आऊंगा, इस पर्पल को भी इधर ले आऊंगा, सो दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, उतना ज्यादा डिफरेंट कलर नहीं दिख रहे, तो आई एम गोइंग फॉर एन ऑरेंज येलो एंड
टील फीलिंग, और पिंक तो हमारे सीन में है नहीं। अब ये रेड है, जैसे इसका ब्लू है रेड, अगर तुम चाहो तो तुम उसको चेंज कर सकते हैं, मेक इट ऑरेंज और मेक इट पिंक, बट पिंक तो विल लुक वियर्ड, तो मैं इसको थोड़ा सा डिसैचुरेट करके ऑरेंज की तरफ ही शिफ्ट कर रहा हूँ। सो आई ओनली हैव टू और थ्री कलर्स इन माय सीन, ब्लू एंड थोड़ा येलोइश टाइप है, और ब्लू एंड या दिस ऑरेंज वन, अपने हिसाब से देख सकते हो यार, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। ओके, नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू डिसेबल इट फॉर नाउ, क्योंकि मुझे बाकी के इफेक्ट दिखाने हैं। कलर रीमैप, दिस इज अ वेरी गुड वन। ओके, एक कलर को लेता है, उसको दूसरे कलर में ट्रांसफर कर देगा। शायद मैं सारे इफेक्ट को भी बंद कर रहा हूँ एंड न्यू रीमैपिंग में इस वाले पे जाऊंगा, इसको मैं चेंज करना चाहता हूँ। तो लेट्स ट्राई इनकी स्किन टोन, इनका बैक चेंज करते। ओके, दिस ब्लू, मैं बेसिकली इस ब्लू को इस नए कलर में चेंज कर रहा हूँ। अब ये कौन सा कलर होगा, लेट्स मेक इट ग्रीन। यू कैन सी उनके बैग में अब जो ब्लूइश टिंट थी वो ग्रीन हो रही है। आई कैन मेक देम येलोइश थोड़ा थोड़ा। ओके, एक्सट्रीम पे बिल्कुल मत जाना, क्योंकि वो बाकी के पीछे बैकग्राउंड कलर्स को भी इफेक्ट कर रहा है। ओके, बट इन सम केसेस यू वांट टू यूज इट, यू कैन यूज इट पिंक, पर्पल, या जिस भी स्पेसिफिक कलर का तुमको रखना है तुम रख सकते हो। लेट्स मेक इट बेसिकली साइनिश कलर में लेके आए, या एक्चुअली डार्क ब्लू कलर, लाइक दिस, ऐसा कर देते। ओके, तो इस तरह से तुम कलर चेंज कर सकते हो। अगर मैं न्यू कलर मैपिंग पे चूज करूँ तो एक नई मैपिंग हमको मिल जाएगी। लेट्स मेक किसको चेंज करें, इनकी स्किन टोन को बताता हूँ। तो यहाँ पर मैंने रेड सिलेक्ट किया एंड मैं अगर इसको चेंज करूंगा तो इट इज गोइंग टू अफेक्ट द होल सीन्स, और ये वियर्ड लग रहा है। ओके, ऑब्वियसली आई नो दैट, मैं बस बता रहा हूँ दैट यू कैन चेंज कलर्स लाइक दिस। इसका मैं यूज नहीं करता हूँ ज्यादा, तो आई जस्ट रिमूव इट। जो अच्छा इफेक्ट है वो है ये यूनिट। व्हाट दिस डज इज इट डज द सेम इफेक्ट। ओके, ये भी कलर को चेंज करने का ही कर रहा है, बट इट डज इट इन अ डिफरेंट वे, एंड आई विल शो यू व्हाट इट डज। तो हम पिक करते हैं, ये कलर मैंने पिक किया उसके स्किन टोन का। अब नीचे इसको लेके आऊंगा यहाँ पर, मैं इस स्पेसिफिक कलर में बाकी के आसपास के कलर को शेड कर सकता हूँ। तो मैं अगर इस रेड को इंक्रीज करूँ, इसको ऐसा इंक्रीज करूँ, बेसिकली इनकी स्किन टोन ना बिल्कुल एकदम सेम लेवल पे आ गई ऑलमोस्ट। अगर मैं इसको पीछे ले जाऊंगा, यू कैन सी इसका बो जो है वो रेड रेड है, ये थोड़ा भी रेड रेड है, बट इफ आई इंक्रीज इट वो थोड़ा ब्राउनिश ऑरेंजिश टिंट में आ गई है। इफ यू वॉन्ट वेरी लेस सी, वेरी लेस कलर्स ऑन योर सीन, इस चीज का यूज कर सकते हो। अगर मैं इसको एक्सट्रीम कर दूंगा तो यू कैन सी वो जो ग्रीन्स है उनको भी कवर कर रहा हूँ मैं, इट इज कवरिंग द ग्रीन्स एज वेल। अगर मैं ब्लू को कर दूंगा, इंक्रीज दिस, तो वो पूरा जो हमारा सीन है वो एक यू में हो गया, यानी हमने सारे कलर्स को एक पर्टिकुलर यू में शिफ्ट कर दिया है, ठीक है। बट दिस इज लुकिंग बैड, तो मैं इसका यूज नहीं करूंगा। आई थिंक मैं ग्रीन तक तो नहीं जाऊंगा, बट या तो दिस इज हाउ यू कैन चेंज। और कलर मिक्सर इज बेसिकली यू नो चेरी ऑन टॉप, चीजों के कलर्स को थोड़ा इधर उधर शिफ्ट कर सकते हो, रेड के अंदर बाकी का अमाउंट, ग्रीन के अंदर और ब्लू के अंदर, तो चेंज वेरियस वैल्यूज और देख सकते हो जो तुम्हें सूट कर रहा है, तो यू कैन चेंज दैट। ओके, आई थिंक ये ट्यूटोरियल बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है, बट स्पेंड टाइम, यू हैव टू एक्सपीरियंस एंड एक्सपेरिमेंट इफ यू वांट टू लर्न एंड मास्टर समथिंग। न्यूमेटिक कलर्स हैज मेनी ऑप्शंस, जो चीज हम यूज नहीं करने वाले वो ये HSL सेकेंडरी विग्नेट सबसे पहले बताऊंगा, बिकॉज एज आई सेड इस चीज को तुम, मैंने बोला था ना विग्नेट बाहर से कर सकते हो, तो सिंपली तुम यहाँ से विग्नेट लगा सकते हो, राइट, व्हाइट या फिर किसी और कलर का, इनकेस यू वॉन्ट बाकी इफेक्ट भी है। तो इसको थोड़ा सा रखूंगा मैं एक्चुअली लाइक दिस, जस्ट टू गिव फोकस ऑन मी। सो देन वी हैव कलर व्हील्स, बेसिकली ये तुम्हारे शेडोज, हाइलाइट्स और मिड टोन्स को किसी टोन में लेने के लिए। तो लेट्स गिव देम ब्लूइश टोन। ओके, को हल्का हल्का ब्लू की तरफ लेके आ रहा हूँ, हल्का सा, और अगर मैं डबल क्लिक करूंगा तो वो रीसेट हो जाएगा बाय द वे। आई विल जस्ट पुल दीस टुवर्ड्स ब्लू जस्ट टाइनी बिट, मैं आपसे उसकी डार्कनेस और लाइटनेस भी कंट्रोल कर सकते हो बाय द वे। तो मैं डार्क कर दूंगा, कॉन्ट्रास्ट दे देते हैं, और हाइलाइट्स आई विल नॉट चेंज एनी ऑफ दिस। बेसिक करेक्शन इज योर बेसिक कलर्स, यू नो बेसिक सॉर्ट ऑफ लाइट्स एंड ऑल। टेम्परेचर तुम दे सकते हो, लेट्स मेक इट अ बिट कूलर, जस्ट टाइनी बिट कूलर। देन टिंट वगैरह तुम दे सकते हो, सैचुरेशन यहाँ से तुम कम ज्यादा कर सकते हो, आई नॉट उसको मैं छेड़ूंगा नहीं, क्योंकि वो चीज हम बाद में चेंज करेंगे। एक्सपोजर, कॉन्ट्रास्ट, हाईलाइट्स, शेडोज, व्हाइट्स एंड ब्लैक्स, तुम ये चीजें तुम्हारे अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, मैं स्पेसिफिकली कुछ नहीं बताऊंगा। ओके, इट इज एक्चुअली मेकिंग अ कूल इफेक्ट, ओके यू कैन यूज इट, बट टू बैड आई एम नॉट गोना यूज इट। ओके, लेट्स चेंज द एक्सपोजर अ बिट, शेडोज को थोड़ा फेड कर देते हैं। इंपॉर्टेंट वन इज दिस बिल्ड
होने, तो क्रिएटिव के अंदर तुम्हारे पास स्पिल्ड होनी है, इससे तुम कैरेक्टर सीन को एक टोन दे सकते हो, यू नो। सो लेट्स मेक इट अ बिट स्काई ब्लूइश, ओके। देयर इज वेरी सटल बट देयर इज एन इफेक्टिव, बहुत सटल रहेगा, बट अगर मैं ग्रीन करूंगा तुम देख रहे हो हल्का हल्का जो चेंज तुम्हें विजिबल होगा चीजों में। तो लेट्स मेक इट अ बिट ऑफ यू नो शाइनेस और थोड़ा ब्लूइश टिंट। तुम ये चीज हाईलाइट पे भी कर सकते हो इन केस यू वांट, बट आई डू नॉट चेंज हाईलाइट्स दैट मच। सैचुरेशन, मैं यूजुअली सैचुरेशन को थोड़ा कम कर लेता हूँ और वाइब्रेंसी को बढ़ा देता हूँ। इंदर लुक्स गुड, ठीक है, इतना ही रखता है, ओके। और ये विग्नेट मुझे बहुत बेकार लग रहा है अब, तो आई विल जस्ट रिड्यूस इट मे बी 1 or 2, दैट्स मच इज इनफ। इसमें कलर्स चेंज करने के जो तरीके है वो है कर्व्स, तो इस कर्व में जाके तुम इन कलर्स को चेंज कर सकते हो, ओके। Now we gonna change these colors. How do we do this? U as a U or U as a saturation graph. इससे तुम किसी एक specific color का saturation set कर सकते हो, इससे तुम किसी specific color का hue change कर सकते हो। So let's select this blue color here. और नहीं, blue तो हमको चाहिए ना, green. तो I'll select this green color here. तो उसने यार 3 dots बना दी। तो basically ये बाकी के जो second, जो सबसे first और last वाला ये हमको range बता रहा है, और ये middle वाला हमको change करना है, but इसकी range को हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे and they are देयर, ताकि हम बाकी कलर्स को अफेक्ट ना कर दे गलती से, बट हम थोड़ा सा अफेक्ट करना चाहते हैं। नाउ इस ग्रीन कलर को मैं ब्लू की तरह शिफ्ट करना चाहता हूँ, मैं इसको पकड़ के ऐसे नीचे लेके आऊंगा यहाँ पर, एंड यू विल सी जो हमारे ग्रीन्स है वो ब्लू में कन्वर्ट हो रहे हैं, ओके। बट ये पूरी तरह से नहीं हुआ है क्योंकि देयर इज सम बिट ऑफ येलो, तो मैं यहाँ पर एक डॉट क्रिएट करूंगा नया, और इस जो येलो और ब्लू का मिक्सचर वाला है इसको मैं थोड़ा नीचे लेके आ जाता हूँ, तो मैं ब्लू की तरफ शिफ्ट कर दूंगा लाइक दैट। एंड अभी तुमको जो हमने थोड़ा सा स्पिल टोनिंग में ब्लू ऐड किया था ना, वो तुमको थोड़ा ज्यादा इफेक्ट में विजिबल होगा। मैं अगर क्रिएटिव में जाऊँ इसको मैं डिसेबल करूंगा, एंड यू कैन सी यहाँ पर जैसे मैं उसको इनेबल कर रहा हूँ, ये थोड़ा सा रेड जो टिंट है यहाँ पर वो ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है, इट इज गिविंग जस्ट टाइनी बिट ऑफ ब्लूइशनेस। और या थोड़ा सा यहाँ पर ये साइन पे एक पॉइंट है ही सही, तो मैं इसको भी थोड़ा नीचे लेके आ जाता हूँ। आई जस्ट वॉन्ट एवरी थिंग टू बी कलर्ड ब्लू लाइक दैट, ओके ओके। नाउ मुझे इंक्रीज करना है सैचुरेशन मान लेते, ओके। तो वो मैं सैचुरेशन से कर सकता हूँ, बट देर इज अ प्रॉब्लम, हमने यू चेंज किया हुआ है, तो हमने ग्रीन का चेंज किया हुआ है, तो अगर मुझे मान लो इन ट्रीज का सैचुरेशन बढ़ाना है ना, तो मुझे ग्रीन का सैचुरेशन बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो ओरिजिनली तो ग्रीन है ना, तो अभी हम सैचुरेशन बढ़ाते हैं, ठीक है। तो मैं ग्रीन पे एक पॉइंट बना दूंगा और येलो पे एक बना दूंगा, क्योंकि येलो से पर्पल तक हमको कोई चेंज नहीं करना है, बाकी हमको चेंज करना है। अब मैं इन ग्रीन्स को थोड़ा ऊपर खींचूंगा लाइक दैट, उनका सैचुरेशन तुम्हें बढ़ता हुआ दिखेगा, कैन यू सी दैट, ये कम सैचुरेशन, ये बहुत ज्यादा सैचुरेशन। लेट्स पुल दैट लाइक दिस, और इस ग्रीन को भी मैं ऐसा पुल कर लेता हूँ, सो इट इज गिविंग इट ब्लूइश टिंट, राइट। अभी इन रेड का भी तुम चेंज कर सकते हो, मैं एक्चुअली रेड्स का थोड़ा सा बढ़ा दूंगा जस्ट टाइनी बिट, ओके। जैसे अब ये यहाँ रेड है, यहाँ थोड़ा येलोइश है, इसका स्किन टोन ऑरेंज है, मुझे ये पसंद नहीं है, तो मैं इनको एक टोन में लाना चाहता हूँ। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, ये ऑलमोस्ट यहाँ रेड से शुरू हो रहा है और येलो पे खत्म हो रहा है, ओके। तो मैं 2-3 पॉइंट बना देता हूँ यहाँ पर। अभी मैं चाहता हूँ रेड वाला जो है वो थोड़ा ऑरेंज की तरफ आ जाए, जो ऑरेंज वाला है वो भी ऑरेंज में रहे, जो येलो वाला है वो भी थोड़ा ऑरेंज की तरफ चल जाए। बेसिकली मैंने सारे जो कलर्स है उनको एक यू के आसपास बहुत लेकर आ गया हूँ मैं, बिल्कुल सिमिलर नहीं किया है बट आसपास लेके आ गया हूँ, तो वी हैव वेरी लेस कलर्स हियर, ओके। सो दीज आर द वे कि तुम कलर्स को कैसे चेंज कर सकते हो ल्यूमेट्री का यूज करके। और क्रिएटिव में जाके अगेन यू कैन चेंज अ लॉट ऑफ थिंग्स, यहाँ पे टिंट बैलेंस तुम चेंज कर सकते हो। बेसिकली जो तुमने ये स्प्लिट टूनिंग को तुम इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहते हो तुम कर सकते हो, तो लेट्स मेक इंक्रीज कर लेते बेसिकली, थोड़ा सा 50 तक लेके आ जाते हैं, ओके। इट इज लुकिंग वेरी कोल्ड सीन लग रहा है। तुम यहाँ पर शार्पन इंक्रीज कर सकते हो, बेसिकली इट इज गोइंग टू गिव मोर डिटेल हियर, फेडेड फिल्म वाला इफेक्ट अगर तुमको चाहिए थोड़ा सा, यू नो दैट वाइटिश फेड थोड़ा सा लुक इन केस यू वांटेड। एंड या सो वी हैव अ कूल लुकिंग सीसी हियर, लेट्स लुक बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर After, before, after. Actually, बहुत ज़्यादा ब्लू हो रहा है, मेरे को इतना ब्लू नहीं चाहिए। आई विल मैं जाकर एडजस्टमेंट में इसको जीरो ही कर दूंगा, इसको भी जीरो कर देते हैं। ये रेड बहुत ज़्यादा कम हो गया, यू नो बहुत ज़्यादा ब्लू लग रहा है ये। तो स्पिल टोनिंग में जाकर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लेके आ जाता हूँ। I want some bluishness. तो जैसे मैंने तो इसको ब्लू और ऑरेंज में किया है, तुम इसको कोई भी टिंट दे सकते हो, पिंक या ऑरेंज को येलो दे सकते हो, इस ग्रीन उसको तुम पीछे, जैसे मान लो जैसे मैंने पीछे जो ट्रीज का कलर है वो ब्लू किया हुआ, राइट।
I'll just go to curve, use saturation curve. अब जैसे मैंने colors green का change किया, मैंने इनको blue किया हुआ, उसकी जगह मैं इसको ऐसा pink भी कर सकता था, yeah, pink के दारे, sorry. And I'll just put it, so sort of we get the cherry blossom look without even, you know, doing anything. So this was it for the CC tutorial, and मैंने basically ये orange और blue वाला effect ही बनाया है. You can change according to what you want, depending on your type of edit, depending on your color palette. वो तो depend करता है तुम कौन से scene के ऊपर work कर रहे हो, but basically these are the tools and these are the processes that you can use. Next tutorial will be on either on creating a 3D scene, or we will do some finishing touches to this edit because we are almost at the end. Aur hum topaz wagera bhi seekhenge uske baad mein. So make sure that you watch that video and make sure that you are subscribed to the channel. Thanks for watching. See you in the next one.